अनुदेशक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। खबर क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख लें कि महानिदेशक ने मांगा शिक्षा मित्रों का डाटा, क्या समायोजन की तैयारी, आखिर इनके द्वारा डाटा क्या मांगा गया है और इसका कारण क्या है, क्या सरकार अब शिक्षा मित्रों के समायोजन की तैयारी कर रही है, सारी जानकारियां आगे वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आप सभी के स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रही होगी, ये हाल ही के अंदर की नोटिस है, यानी कि 21 दिसंबर की नोटिस है, जहां पर आप देख लें विषय की समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या एवं उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि यहाँ पर कुछ ब्यौरा मांगा गया है शिक्षा मित्रों का। इसी प्रकार से एक और नोटिस इनके द्वारा जारी की गई है, जहां पर अनुदेशकों का भी ब्यौरा मांगा गया है। यहां पर आपको एक ईमेल आईडी दिख रही होगी, जहां पर ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल में क्या क्या होगा, यहां पर आप देख लें कि शिक्षा मित्रों की संख्या यहां पर मांगी गई है कि कितनी संख्या कुल है और इसके बाद कुल धनराशि कितनी है, ये सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं उस ईमेल आईडी पर, जहाँ पर हस्ताक्षर वगैरह भी होने हैं। लेकिन यहाँ पर इसके बाद आप सभी के मन में एक विचार आता है कि आखिर ये डाटा क्यों मांगा गया है, क्या अब सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन की तैयारी कर रही है। दरअसल साथियों ये जो डाटा है ये समायोजन को लेकर नहीं है, मात्र केवल एक सर्वे के लिए है, जहाँ पर आप सभी को बिल वगैरह सारी चीजें दिखेंगी। तो आप अभी निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की समायोजन की अपडेट अभी सरकार की तरफ से नहीं है, हालांकि संगठन के द्वारा कुछ तैयारियां की जा रही हैं। तो आप सभी तैयार रहें और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर बताएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस